वेलकम टू द एंटरटेनमेंट फॉर यू दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं आजकल, उनका सीक्वल पहले से तय होता है, लेकिन आज के दौर में कहानी ऐसी है कि आज फिल्म का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ तो अगले साल डेफिनेटली इस फिल्म का सेकेंड पार्ट रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन सात ऐसी फिल्में हैं जिनका फर्स्ट पार्ट तो रिलीज किया गया, फिल्म के एंड और पोस्ट क्रेडिट सीन में इनका सीक्वल का भी अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन ये फिल्म कभी बन नहीं पाई और कभी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले सात ऐसी फिल्मों के बारे में जिनके सीक्वल अनाउंस तो हुए लेकिन वो डब्बा बंद हो चुके और बंद हो चुके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो एक लाइक और सब्सक्राइब साथ में। दोस्तों, पहले नंबर पर है गो गोवा गॉन। ये फिल्म 2013 में आई थी। फिल्म एक्शन कॉमेडी से भरपूर थी। फिल्म की स्टार कास्ट में थे सैफ अली खान, और ये बॉलीवुड की यानी इंडिया की पहली जॉम्बी टाइप की फिल्म थी जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। हालांकि बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया, और जिसने भी ये फिल्म देखी है उसे काफ़ी पसंद आई। मैंने भी ये फिल्म देखी थी और मुझे भी फिल्म काफ़ी पसंद आई। और जहाँ ये फिल्म खत्म होती है उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में लिखा आता है द एंड इज नियर। इसका मतलब ये था कि फिल्म के डायरेक्टर राज ऑल्टी के फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट इस फिल्म के सीक्वल में ही कर दिया गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। और यही वजह थी कि फिल्म के डायरेक्टर राज और डीके ने आज तक इस फिल्म का सीक्वल नहीं बनाया, यानी 10 साल में इसका सेकेंड पार्ट डेवलप स्टेज पे भी नहीं गया। नंबर टू पे है प्रिंस। प्रिंस को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज किया गया था 2010 में, और ये एक एक्शन थ्रिल फिल्म थी जिसके गाने बहुत बड़े हिट थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी डिजास्टर साबित थी। फिल्म के स्टार कास्ट में विवेक ओबेरॉय, और जब इस फिल्म का ट्रेलर आया, फिल्म में गाने आए, तो पब्लिक को लग रहा था कि प्रिंस बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हो जाएगी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। और इतनी बड़ी फ्लॉप हुई कि प्रोड्यूसर लूट गया, बर्बाद हो गया। अगर आपने फिल्म देखी है तो फिल्म के एंड में एक ओपन एंड छोड़ा गया है जहां पे इस फिल्म का सीक्वल का अनाउंसमेंट कर दिया गया, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मेकर्स ने इसका आइडिया ड्रॉप कर दिया और प्रिंस 2 कभी देखने को नहीं मिली। नंबर 3 पे है मुन्ना भाई 3। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था 2008 में, और फिल्म के फर्स्ट पार्ट फिल्म के सेकेंड पार्ट को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी साहब ने। फिल्म बहुत बड़े हिट और सुपरहिट थी, और यही वजह थी कि पब्लिक को मुन्ना भाई 3 देखनी ही देखनी थी। साथ ही इस फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया था मुन्ना भाई चले अमेरिका के नाम से, और पब्लिक के बीच में इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट थी। लेकिन फाइनली इस फिल्म को बंद कर दिया गया और कोई भी रीज़न मेकर की तरफ से नहीं आया, लेकिन अभी तक मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट देखने को नहीं मिला। और बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि मुन्ना भाई की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हाँ, अभी तक मुन्ना भाई की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और ना ही मेकर्स ने इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि इस फिल्म का तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। दोस्तों, नंबर 4 पे है 2009 में आई एक्शन कॉमेडी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना, जो मुझे बहुत पसंद आई थी उस समय जब मैं स्कूल में था। मैंने ये फिल्म देखी थी और मेरी ये फेवरेट फिल्म थी। फिल्म की स्टार कास्ट में थे अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण, और ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे चाइना के द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में शूट किया गया था, और साथ ही इसके सारे स्टार कास्ट भी आपको चाइनीज फिल्म में देखने को मिल जाएगी। फिल्म के एंड में, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको इसका फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको चांदनी चौक टू अफ्रीका का अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, और यही वजह थी कि आज तक इसके मेकर्स ने इसका सेकेंड पार्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं किया और बनाया भी। नंबर 5 में है 2017 में आई म्यूजिकल एडवेंचर फिल्म जग्गा जासूस। एंड सीन में हमें दिखाया गया कि फिल्म की कहानी बाकी है, और सेकंड पार्ट में इसका जो मेन एंटागोनिस्ट यानी सेकंड पार्ट में जो मेन विलन होते वो होते नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई क्योंकि फिल्म काफ़ी डिले हो गई थी, और उसी बीच रणवीर और कैटरीना के बीच में लड़ाई चल रही थी, यानी उनका ब्रेकअप हुआ था, और यही वजह थी कि मेकर्स ने इसका सेकेंड पार्ट अनाउंस नहीं किया, और किया भी तो बनाया नहीं। नंबर 6 पे है दोस्ताना। दोस्ताना को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज किया गया 2008 में। फिल्म कॉमेडी और रोमांस थी। इस फिल्म की कहानी गे कपल्स पे आधारित थी जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि बीच में खबरें ये आ रही थी कि करण जौहर ने इस फिल्म का सीक्वल अनाउंस किया है कार्तिक आर्यन के साथ में और जानवी कपूर के साथ में, लेकिन इसका सीक्वल बंद हो चुका है, और बीच में खबरें आती रहती हैं कि फिल्म का सीक्वल स्टार्ट हो चुका है, फिल्म की स्टार कास्ट फाइनली हो चुकी है, लेकिन अभी तक 15 सालों में इसका सीक्वल बनने के तैयार नहीं हुआ है, और ये फाइनल डिसीजन है मेकर्स का कि दोस्ताना 2 कभी नहीं बनेगी। नंबर 7 पे है आबरा का डाबरा। जी हाँ दोस्तों, आबरा का डाबरा एक ऐसी फिल्म है जिसे पैरोडी कहा जाएगा, और पैरोडी है, हालांकि हैरी पॉटर पार्ट फर्स्ट, क्योंकि हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट मूवी थी, उसी का हिंदी रीमेक बनाया गया आबरा का डाबरा के नाम से, और ये फिल्म हिंदी में बहुत बुरी फ्लॉप और डिजास्टर, क्योंकि लोगों ने हैरी पॉटर ऑलरेडी देख चुकी थी और बच्चा बच्चा आज हैरी पॉटर के दीवाना है, तो क्यों कोई बॉलीवुड फिल्म आबरा का डाबरा देखेगा। और इसका सीक्वल भी अनाउंस हुआ था, लेकिन
थैंक टू गॉड इसका सीक्वल नहीं बना। दोस्तों ये था आज का हमारा स्पेशल वीडियो, सात ऐसी फिल्में जिनके सीक्वल अनाउंस हुए लेकिन बन नहीं पाए क्योंकि मेकर्स को लगा ही नहीं कि इसका सेकंड पार्ट पब्लिक के बीच में लाना चाहिए और सेकंड पार्ट के लिए पब्लिक भी एक्साइटेड नहीं थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हो तो घंटी जरूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।